आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर। मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में हुआ बैठक का आयोजन। जी आपको बता दें, आज काशीपुर स्थित मास्टर इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक संघ रजिस्टर्ड उधम सिंह नगर की काशीपुर इकाई की घोषणा की गई, जिस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ जिला अध्यक्ष राम प्रकाश गुप्ता ने की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हरेंद्र कुमार मिश्रा मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कार्यकारिणी में सुशील शर्मा को अध्यक्ष, प्रीति अरोरा को उपाध्यक्ष, जितेंद्र देवलाल को सचिव, डॉक्टर गौरव गर्ग को कोषाध्यक्ष एवं मोहम्मद रफी को उपाध्यक्ष चुना गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे इस संघ ने अपने कोषाध्यक्ष बनाया अपना काशीपुर से इकाई के लिए। और इस संघ में कोषाध्यक्ष बनने के बाद मेरा प्रयास रहेगा कि इस संघ के लिए मैं फंड्स का अरेंजमेंट करता हूँ, ताकि फंड जो संघ अपनी कार्यवाही करेगा, जो गतिविधियां करेगा, उसके लिए फंड्स की कमी ना रहे और किसी भी मेंबर के ऊपर फंड्स का प्रेशर ना पड़े। सब स्वेच्छा से जमा करें इसमें। और दूसरा, ये जो संघ है हमारा, ये जिला चल रहा है, इसमें 500 रुपये प्रतिवर्ष जो है वो मेंबरशिप मिल जाएगी जिले में। और इस संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वो सबको एक सूत्र में परोना है और सभी विद्यालयों के अंदर जो शिक्षण का कार्य चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, उसमें सुधारात्मक कार्य जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उसमें हम कार्य करेंगे। और कहीं शिक्षकों को, कहीं बच्चों को, कहीं भी अगर कोई मोटिवेशन क्लासेस देनी है तो वो क्लास में देंगे, किस तरीके से उनको अच्छे तरीके से शिक्षण कार्य में लग सके। सभी को एक सूत्र में बांधना है हमने। और इस संघ का मुख्य उद्देश्य जो है वो शिक्षक और शिक्षा दोनों के विकास के कार्य में आगे बढ़ेगा। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जो हमारा उद्देश्य है उसको जन जन तक पहुंचाने का जो आपने काम किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। आपको मालूम है कि जो हमारा मान्यता प्राप्त विद्यालय संघ है ये 2016 से लगभग में चल रहा है। इसका आज नगर इकाई का कार्यकारिणी का जो शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, स्कूलों में पठन पाठन की व्यवस्था है जो कैसे सुचारू रूप से चले, आखिर नौनिहालों का भविष्य हमारे हाथों में दिया गया है, तो हमारी बहुत बड़ी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस जिम्मेदारी पर हम कैसे उन पेरेंट्स के, उन गार्जियन के, जो उनकी हमारे से उम्मीद है, उन उम्मीदों पर हम किस तरीके से खड़े उतरे, हम एक खुशहाल और एक अच्छा स्कूली वातावरण उन बच्चों को देने जा रहे हैं, ये हमारा संघ का एक मुख्य उद्देश्य है। आज जो हमारा मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक संघ है, जो 11 अगस्त को उसका चुनाव हुआ था, उसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, पूरी टीम का गठन किया था, आज उसी के निमित्त आज 11 सितंबर को यहाँ पर मास्टर इंटरनेशनल स्कूल के अंदर शपथ ग्रहण कार्य संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे शपथ दिलाने में कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि रहे, जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी साहू साहब और हमारे जिले के मान्यता प्राप्त अध्यक्ष हैं राम प्रकाश गुप्ता जी, उन लोगों ने शपथ कार्यक्रम को संपन्न कराया। और हमारे जो भागपुर से आए थे वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और हमारे इस कार्यक्रम में काशीपुर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक गण और प्रधानाचार्य इस कार्यक्रम में सब लोग रहे, और उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहूंगा। और शपथ कार्यक्रम था हमारा बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हुआ। और मैं आगे जो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक संघ है, वो संघ विद्यालयों के हितों में सदैव कार्य करता रहेगा। विद्यालयों की कोई भी समस्याएं होंगी उसके समाधान के लिए हम लगातार तत्पर रहेंगे। काशीपुर में हम एक बहुत अच्छा शैक्षिक माहौल प्रदान करेंगे इस संघ। आइए अब नजर डालते हैं काशीपुर के दिनभर की अन्य खबरों पर। दिल्ली पब्लिक स्कूल काशीपुर के आदित्य राज कौशल ने ऑल इंडिया इंटर साई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में लहराया जीत का परचम। देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने की नवनियुक्त आईपीएस अधिकारी से मुलाकात। गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर द्वारा काशीपुर परिक्षेत्र के ग्राम जुड़का में एक गोष्ठी का आयोजन। आवास विकास में कम्युनिटी हॉल की जमीन मामले को लेकर इकट्ठे हुए लोग, पुलिस ने किया एक वांछित वारंटी को गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रामनगर रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल काशीपुर की कक्षा 11वीं के छात्र आदित्य राज कौशल ने ऑल इंडिया इंटर साई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आपको बता दें, 3 सितंबर से 8 सितंबर तक लखनऊ में खेली गई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NCOE ताइक्वांडो चैंपियनशिप में आदित्य राज कौशल ने अपने प्रतिद्वंदी को बड़ी ही रोमांचक मुकाबले में हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। अब आदित्य राज कौशल इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं आदित्य की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रोफेसर VC गुरदयाल
सैनी ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आज दोपहर देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों द्वारा जिला उधम सिंह नगर की नवनियुक्त आईपीएस अधिकारी से मुलाकात कर पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके द्वारा वाल्मीकि समाज की समस्याओं जैसे कि वाल्मीकि कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर, रात में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने को लेकर एवं वाल्मीकि कॉलोनी में पुलिस बल फ्लैग मार्च किए जाने को लेकर चर्चा की गई। बताने सभी पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष अजय सौदा बन्नू के नेतृत्व में वहां पहुंचे, जिस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रेम कठैर देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों द्वारा मुलाकात की गई। आज काशीपुर के आवास विकास में वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक बाली समेत कई स्थानीय लोग इकट्ठे हुए, जिन्होंने ये बात उठाई कि आवास विकास में कम्युनिटी हॉल के नाम की जो जमीन थी वे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने के बाद बेच दी गई एवं अब उस पर अवैध तरीके से कार्य शुरू कर दिया गया, जिसके विरोध में लोगों ने इकट्ठा होकर इस मामले की जांच करने की अपील की। इसमें एक बात और देखने बाड़ी की, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे आवास विकास करा गया, चेक करने के बाद अगर इसकी बिक्री भी करी गई है तो किस बदले करी गई है, मतलब किस लिए करी गई है, चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा try this। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर्पण नमकीन। गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर द्वारा काशीपुर परिक्षेत्र के ग्राम जुड़का में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए गन्ना विभाग के प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कुमार ने बताया कि अक्टूबर सोइंग नजदीक है और गन्ना किसान अपनी खेती की अच्छी तैयारी कर ले, प्रत्येक कृषक को नवीनतम तकनीक के आधार पर गन्ने की कृषि की जानी चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा try this। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर्पण नमकीन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में ऑपरेशन प्रहार तथा ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत वारंटियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी काशीपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक वांछित वारंटी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।